जय गुरुदेव। बच्चों कैसे हो आप? बच्चों आज के समय में जो आपका ये समय चल रहा है, इस समय में आपको पता है कि घर के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, और जितना हो सके घर पर रहकर आपको जो पढ़ाया जाता है वो बोल बोल कर याद करना है, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या मैथ में आपको जो दिया गया हो। ठीक है बच्चों, जब तक आप उसके बोल बोलकर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। बच्चों कल हमने चित्र देखकर शब्द पूरा करना सीखा था, आज हम क्या से एक नया शब्द सीखेंगे, एक वर्ण से लगाकर शब्द पूरा करें। एक वर्ण लगाना है हमें और उसे क्या करना है, शब्द को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे ढ है, अब इस वर्ण को इसके साथ जोड़ दो, प को ढ के साथ जोड़ के क्या बन गया, पढ़। प ढ, च को ढ के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा, चढ़। च ढ, ग, ग को ढ से जोड़ेंगे हमें क्या बनेगा, गढ़। मतलब हम वर्णों को, जब एक वर्ण को दूसरे वर्ण से जोड़ते हैं तो उससे उसको दोनों को जोड़ के क्या बन गया, एक शब्द बना, जिसे जैसे बोले पढ़, चढ़, गढ़। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें वर्णों को जोड़ के दो अक्षर हमारे पूरे कर लेने हैं। अब हम तीन अक्षर करते हैं। देखो बच्चों, दो अक्षर आप कर चुके हैं ऊपर, अब हमने दो अक्षरों को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क म कम, फ स फस, स फ सफ। क म कम, जब क म कम है तो उसको ल को उसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क म ल, क म ल, हमारा वर्ण, हमारा शब्द बना कमल, कमल का फूल। उसके बाद फ स फस, अब फ स फस के साथ हम ल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फस ल, उसके बाद है स फ सफ, अब उसको ल को उसके साथ हम जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सफ ल सफल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको आज दो के और तीन के, यह दोनों दो और तीन के आपको जो वर्ण से शब्द बनने सिखाए गए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इसे पढ़ना भी है। जो आपको दो और तीन के शब्द कराए गए हैं उन शब्दों को हर रोज पढ़ना है। बच्चों कल हम फिर नया करेंगे चार शब्दों के जोड़, और जो आपको काम दिया जाता है बच्चों वो काम आप अपनी तीनों हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों का होमवर्क कहाँ पे सेंड करोगे, अपने टीचर के पास। आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे हर बच्चा भेजेगा। ठीक है बच्चों, जय गुरुदेव।